अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबको मेरा सलाम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़े का हरी मिर्च का अचार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से लंबी वाली। इसे मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल खुश कर लिया है इसका पानी। इन चीज़ों को प्लीज़ अच्छे से धोया करें। पहले स्टेप में हम हल्दी लेंगे 1 टेबल स्पून और नमक भी हम 1 टेबल स्पून ही लेंगे। एक बाउल लेंगे। अब हम कैंची की मदद से या छुरी की जो भी आपको मिले उसकी मदद से आप इसमें दरमियान में कट लगाएं और इसकी टहनी को बिल्कुल छोटा कर दें। बड़ी टहनी अचार को हमेशा ख़राब कर देती है। इस तरीके से हम दरमियान से कट लगाएंगे। कट भी बड़ा नहीं लगाना। मैं इसकी फिलिंग नहीं करूंगी क्योंकि अक्सर इसमें फिलिंग करने से मसाला बहुत तेज़ हो जाता है, ख़ासतौर पर नमक। इस तरीके से मैंने सारी हरी मिर्चों को दरमियान से काट लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाया मैंने। हमारी हरी मिर्ची कट के बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं हल्दी शामिल कर दूंगी। इस तरीके से अचार बहुत ही मज़े का बनता है और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा इसमें मसाले जाते हैं। नमक शामिल कर देंगे हम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मैं इसे छोड़ दूंगी। 1 घंटे के बाद अब हम देखेंगे। अचार के मसाले लिए हैं मैंने, जैसे आप देख रहे हैं, लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा नमक लिया है, क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। सरसों का तेल लेंगे। इसे मैंने गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अचार के मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है क्योंकि इसकी खुशबू अचार में बहुत ज़्यादा आती है साबुत डालने की निस्बत। जैसे आप देख रहे हैं, इसे मैंने मोटा मोटा ग्राइंड किया है। अब हम हरी मिर्चों की तरफ आएंगे। आप जैसे देख रहे हैं, 1 घंटे के बाद हमारी हरी मिर्चें जो हैं बिल्कुल ड्राई हैं। अब हम एक शीशे का जार लेंगे इस तरीके से। इसमें अचार बहुत ही सेफ रहता है। इसे मैंने धो के बिल्कुल खुश कर लिया है। नमी नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मेरे तरीके से अचार बनाइएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। कम से कम आप 1.5 साल तो इसे बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में तो वैसे ये हरी मिर्च का अचार बहुत ही पसंद किया जाता है। अब मैंने इसमें सारी हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं इस तरह से। अब हम इसमें अचार वाला मसाला शामिल कर देंगे इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल शामिल कर देंगे, जिसे मैंने गर्म कर लिया था और फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। इस तरीके से इसे शामिल कर देंगे हम। इसे बिल्कुल धूप पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 से 3 दिन में इजीली बन जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 से 3 दिन के लिए कवर करके रख दीजिएगा, बिल्कुल चेक बाद में कीजिएगा 3 दिन के बाद। ये अचार बहुत ही मज़े का है। इसमें मैंने बहुत ही कम मसाले यूज़ किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इसे बंद करके रख देंगे 3 दिन के लिए, 3 या 4 दिन के लिए। इसी तरह मेरा साथ देते रहें, मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।